अस्सलाम वालेकुम मैं हूं सलीम नवाज़ और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़ टीवी वी ये वीडियो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए तब्दीली का ख्वाब देखने वालों के लिए कप्तान के खिलाड़ियों के लिए इंतहाई खतरनाक होने वाली है लेकिन ये एक तलख हकीकत है इसलिए आपको सुनना पड़ेगा कि आपके साथ कितना कोई बड़ा हाथ हो चुका है आप सबको पता है कि तीन मार्च को सेनेट के एलेक्शन हुए और सबसे दिलचस्प खतरनाक मुकाबला हफीज़ शेख और यूसुफ रजा गिलानी के माबैन था एक्सपेक्टेशन यही थी बल्कि साफ नज़र आ रहा था कि हफीज़ शेख जीत जाएंगे क्योंकि उनके पास वाज अक्सरियत थी जबकि यूसफ रजा गिलानी के पास उम्मीदवार पूरे नहीं थे उन्होंने आहार जाना था और इसी हवाले से पीटीआई के वर्कर्स बड़े मुतमिन थे बड़े जोश में थे बड़े तकबर कर रहे थे कि भाई अब तो सेनेट के अंदर अक्सरियत भी हमारी होगी सेनेट की सबसे बड़ी पार्टी भी हम लोग होंगे और सेनेट का चेयरमैन भी हमारा होगा और इस्लामाबाद की सीट में हम यूसुफ रजा गिलानी को हरा देंगे सेनेट के इलेक्शन से दो दिन पहले एक वीडियो आती है जिसमें यूसुफ रजा गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी सरेआम कैमरों के सामने अपने अबू जान को बचाने के लिए उनको सेनेटर बनाने के लिए पैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं और पाकिस्तान के असेंबलियों में बैठे हुए एम एन ओस एम एन एस का जमीर खरीद रहे हैं वोट का सौदा किया जा रहा है वोट की इज्जत बेची जा रही है पार्लियामेंट को बेचा जा रहा है उस सेनेट की सीट को खरीदा जा रहा है जिसके ऊपर कलेमात तयबा तो लिखा होता है जिसमें अल्लाह के नाम भी लिखे होते हैं जब ये वीडियो इतनी खतरनाक तरीन वीडियो और उसके बाद सिंध के एक वजीर है नासिर हुसैन शाह उनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग आती है उसके बाद पाकिस्तानी पाकिस्तानी आम पाकिस्टानी, मेरी तरह का गरीब पाकिस्तानी ये सोचता है कि बस अब तो पाकिस्तान का निजाम बदलने वाला है अदालतें और इलेक्शन कमीशन यूसफ रजा गिलानी को ना अहल करेगी इसके अलावा यूसफ रजा गिलानी के बेटे को गिरफ्तार किया जाएगा कुछ लोग तो कह रहे थे कि ये सरासर बिल्कुल हंड्रेड परसेंट प्रूफ है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बैन करार देने के लिए लेकिन एट द एंड हुआ क्या के सेनेट के इलेक्शन भी हुए और यूसफ रजा गिलानी जीत गए जी हाँ जिसके बाद तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि हम यूसफ रजा गिलानी को ना अहल करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन में जाएंगे वो खैर वहाँ पर गए और आज इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा फैसला आ गया जो कि पी टी आई के लिए आप कह सकते सीधी गोली उनके सीने पर लग चुकी है सीने पर तो नहीं खैर उनकी टांग पर गोली लग चुकी है वो कैसे कि इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ को कहा कि चलो निकलो यहाँ से फारिग हो जाओ ये कोई सबूत नहीं होता वीडियो जिसमें रिश्वत ली जा रही है दी जा रही है हमें ये पता नहीं कौन किसको को किस लिए पैसे दे रहा है जबकि आपको पता होना चाहिए कि गिलानी का बेटा खुल्लम खुल्ला चैनल्स पर बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रोग्राम में शमूलियत इख्तियार करके एंकर बता रहा है कि भाई ये जो रिश्वत दे रहा था जो कि जमीर खरीद रहा था जो पाकिस्तान का पार्लियामेंट खरीद रहा था जो पाकिस्तान के सेनेट को खरीद रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूं आपका भाई जिसने वोट की इज्जत का सौदा किया एक बंदा खुल्लम खुला अपने जुर्म का इकरार कर रहा है लेकिन पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं भाई ये सबूत नहीं है पाकिस्तान की अदालतों में होता क्या है आप कहते हैं कि भाई ये माइक है वकील भी कहता है ये माइक है जज साहिब भी कहते हैं ये माइक है मुलजम भी कहता है ये माइक है लेकिन जज साहिब कहते हैं कि साबित करो कि ये माइक है और इस माइक को साबित करने में आपको 10 साल लग जाते हैं कुछ इसी तरह से तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है खैर अगली एक तारीख इनको दे दी है तसली करवाने के लिए बाईस तारीख के बाईस तारीख को दोबारा से आपका हम सुनेंगे और आपकी जो नाअहली की दरखास्त है उसके ऊपर जनाब आपकी सिमात की जाएगी फिर तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख और, तारीख पर तारीख और मामला इसी तरह लटक जाएगा 12 मार्च को सेनेट चेयरमैन के इंत होगा और उसमें यूसुफ रजा गलानी ही पीडीएम की जानब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से उम्मीदवार होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हकुमत के इतिहादियों की जानब से सादिक सन्जरानी साहिब जो कि एक नई चीज दरियाफ्त हुई थी 2018 में जिसका खुमियाजा अब तहरीक इंसाफ को भुगतना पड़ रहा है जिस तरह से उनके लिए लॉबिंग की गई और जहांगीर तरीन ने अपना एक एरोप्लेन इस्तेमाल किया तो वही खमजाजा तहरीक इंसाफ को अब भुगतना पड़ेगा तहरीक इंसाफ की टांग पर गोली लग चुकी है आपको पता होना चाहिए जब एक हुकूमत को इस तरह से अदालती फैसलों के जरिए नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया जाता है जैसा हमने देखा गिलानी के दौर में जब गिलानी अदालत में गए फिर नाअहल हो गए उससे पहले काफ़ी हेरिंग सिमात चलती रही उसी तरह नवाज शरीफ के दौर में हमने देखा तो नवाज शरीफ के दौर में भी कुछ ऐसा ही हुआ कि फैसले जब नवाज शरीफ के खिलाफ आना शुरू हो गए तो उस वक़्त नून लीग पर जवाल आया इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर भी जवाल आया था और घिलानी को ना अहल करार दे दिया था यही चीज अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने वाली है तहरीक इंसाफ के पहले तो सोलह एम एन बिके वजीर अजम इमरान खान ने अपने एक भी एम एन ए को अपनी पार्टी से नहीं निकाला बल्कि उन सोलह के सोलह भिकाऊ माल को उन जमीर फरोशों को असम्बली में बुलाया और बड़े धड़ल्ले के साथ फख्र के साथ हफ्ते के दिन छः मार्च को दिन सवा बारह बजे एतमाद का वोट लिया अतमाद का वोट वज़ी अजम इमरान खान ने किससे लिया जमीर फरोशों से इमरान खान तो तब्दीली की बात करते थे इमरान खान तो साफ शफाफ एलेक्शन की बात करते थे और इमरान खान तो अपनी हर तकरीर में कहते हैं कि मुझे वजारत उजमा की फिक्र नहीं है मुझे इस कुर्सी की फिक्र नहीं है तो जनाब वजीरम अगर आपको कुर्सी की फिक्र ना होती तो आप अपने सोलह बिकाऊ एम एन एस को अपनी असम्बली में कभी ना बिठाते बल्कि अतमाद का वोट लेने से पहले उनको ठुडा मार के असम्बली से फारि कर देते जिस तरह से आपने दो हजार अठारह के इलेक्शन में बीस बिकाऊ माल को बीस जमीर फरोशों को 20 वोट फरोशों को अपनी पार्टी से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया था जिसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की जिसकी मिसाल कहीं नहीं मिली आखिर में मैं आपको बता दूं कि तहरीके इंसाफ के कुछ यूट्यूबर्स तहरीक इंसाफ के कुछ हम नवाज साथी उनके हमदर्द जनाब उनको तसलियां दे रहे हैं कि भाई उनके तिरपन सेनेटर्स है आपके सैंतालीस सेनेटर्स है ये चार उधर जाएंगे ये तीन इधर आएंगे एक उधर जाएगा ऐसा होगा वैसा होगा और चेयरमैन सेनेट हमारा बन जाएगा चेयरमैन सेनेट ना आपका बनेगा ना पाकिस्तान लिया है। आगे आपके साथ क्या कुछ होगा आपको बहुत अच्छी तरह नजर आएगा और क्लियर हो जाएगा जिस तरह से आप लोग नवाज शरीफ और लीगियो को गद्दार कहते रहे जिस तरह से आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों को गद्दार कहते रहे शायद अब आपको भी गद्दार लिखा कहा और बोला जाएगा शायद आप गद्दार हो ही जाएंगे सिस्टम टोटली कुलप होने वाला है सिस्टम अपना रुख मोड़ने वाला है वो कहते हैं ना कि हवाओं का रुख तब्दील हो चुका है तो जी हाँ हवाओं का रुख तकरीबन तब्दील हो चुका है मैं भी इमरान खान साहब आपको कंटेनर्स पर नजर आए और मेरी नजर में वजीर अजम इमरान खान साहब एक बेहतरीन अपोजिशन लीडर है उनसे मजबूत उनसे ज़बरदस्त अपोजिशन लीडर पाकिस्तान को आज तक नसीब नहीं हुआ अपना और हमारे चैनल का बहुत सारा ख्याल रखे हमारे मुल्क प्यारे पाकिस्तान की इज्जत का भी बहुत 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 सारा ख्याल रखे सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशन के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आपको मिलती रहे अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद